हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनम शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता। दोस्तों, सच्ची में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। मेरी मॉम बनाती है इसको और ये बहुत पसंद है मुझे। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों, खीरे का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही, खीरा, हरी मिर्ची एक, नमक स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर, जीरा दोस्तों, धनिया, पुदीना। दोस्तों, मेरे पास अभी करंट में धनिया और पुदीना अवेलेबल नहीं था। मेरी मॉम ने इसको सुखा के रखा हुआ था पहले ही, तो मैंने उसको यूज़ किया है। अगर आपके पास धनिया और पुदीना अवेलेबल हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और हमें चाहिए होगा काला नमक। दोस्तों, मेरे पास काला नमक भी अवेलेबल नहीं था अभी, आपके पास हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लाल मिर्ची खाते हो तो आप लाल मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं खीरे का रायता। बनाने के लिए हम इसमें पहले, अगर आपके पास दही ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा सा, अगर आपका दही ज़्यादा गाढ़ा हो दोस्तों तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको फेंट लेंगे। हम इसको चम्मच की सहायता से फेंट रहे हैं, आप इसको रई की सहायता से भी फेंट सकते हैं। अब हम दोस्तों, खीरे में बहुत ही ज़्यादा वाटर होता है तो हम इसका जो पानी है वो एक प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। हम ऐसे करके इसका पानी निकाल लेंगे। दोस्तों, हम इसमें हाथ का यूज़ कर रहे हैं, मैंने अपने हाथ धो लिए हैं अच्छे से। दोस्तों, हमने इस खीरे में से पानी को निकाल दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने एक खीरा लिया होता है और उसमें कितनी मात्रा में पानी था। खीरे में बहुत पानी होता है दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो दोस्तों, अब हमने इसमें से पानी निकाल दिया है, अब हम खीरे को दही में मिलाएंगे। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक आपको अपने स्वाद अनुसार ही मिलाना है दोस्तों। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएंगे। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची मिलाएंगे। कितना अच्छा कलर लग रहा है दोस्तों इसका। हम इसमें हरी मिर्ची भी मिलाएंगे थोड़ी सी। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। दोस्तों, अब हम इसमें अपना पुदीना मिला देंगे। दोस्तों, हम इसको क्रश करके मिलाएंगे। और अब हम इन सबको आपस में मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे रायते का कलर कितना अच्छा लग रहा है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। ये बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों। अगर आपने इसको एक बार खा लिया तो आप बूंदी के रायते को भी भूल जाएंगे। दोस्तों, अब हम इसमें लगाएंगे बघार। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों अब हम अपने रायते में तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने अपने चमचे को गैस पर रख दिया है और अब हमने उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है। अब हम गैस को स्टार्ट करेंगे और हमें गैस को स्लो ही रखना है दोस्तों। हम तेल को गर्म करेंगे थोड़ा, और तेल के गर्म होने पर हम उसमें जीरा मिलाएंगे
दोस्तों हमें इसे केयरफुली करना है। और जीरा जैसे ही चटकने लगे दोस्तों तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम जो हमारा तड़का है हम उसको रायते में मिला देंगे अपना, और उसको हम एक मिनट बाद खोलेंगे, प्लेट से ढक देंगे और एक मिनट बाद खोलेंगे। दोस्तों एक मिनट बाद दोस्तों इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हम आपको बता नहीं सकते हैं। सच्ची में दोस्तों ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। आप भी इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।